वेलकम टू बॉलीवुड राउंडअप विद नैना ओबेरॉय एट टैक टीवी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बॉलीवुड की हॉट एंड सिजलिंग खबरें। सबसे पहले बात करते हैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की। मलंग को रिलीज हुए 5 दिन हो चुके हैं। उनका बजट था 50 करोड़ का एंड उन्होंने अभी 32 करोड़ का ही बिजनेस किया है, विच इज़ नॉट सो बैड। इस मूवी के अंदर कुणाल खेमू और अनिल कपूर एक कॉप का किरदार निभा रहे हैं एंड आदित्य रॉय कपूर और दिशा पटानी की केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। चारों के चारों एक्टर्स की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। अब बात करते हैं सैफ अली खान की जवानी जाने मन के बारे में। ये मूवी 31 जनवरी को रिलीज हुई थी एंड इस मूवी का जो रिस्पांस था वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव आया नहीं है। इस मूवी ने 32 करोड़ का बिजनेस किया है जबकि बजट 40 करोड़ का था, सो दिस मूवी वॉज डिक्लेयर्ड एज फ्लॉप। इस मूवी के अंदर तब्बू बहुत अच्छा किरदार निभा रही है और सैफ अली खान की एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। वो एक 40-year-old फादर का किरदार निभा रहे हैं एंड उनकी डॉटर आलिया, वो ये मूवी इन दोनों का रिलेशनशिप डिस्क्राइब करती है एंड एक बहुत ही कॉमिक रोल में सब कुछ निकल कर आ रहा है और बहुत ही ह्यूमरस मूवी है। इट्स अ मस्ट वॉच, बट पता नहीं ये मूवी फ्लॉप क्यों हो गई। अब बात करते हैं तानाजी द अनसंग वॉरियर के बारे में। वो मूवी 10 जनवरी 2020 को रिलीज हुई थी और इस मूवी में अजय देवगन, काजोल एंड सैफ अली खान बहुत ही अच्छा रोल निभा रहे हैं। ये तीनों के तीनों स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स एक बोल्ड एक्टिंग पे होल्ड पकड़ते हैं और इस मूवी ने अभी तक 270 करोड़ का बिजनेस कर लिया है जबकि बजट खाली 120 करोड़ का था। ये ब्लॉक बस्तर डिक्लेयर हो चुकी है एंड इसके अंदर अजय देवगन जो कि ब्रेव वॉरियर मराठा तानाजी का किरदार निभा रहे हैं, उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़्यादा सुपर अमेजिंग है। इट्स अ मस्ट वॉच और ये मूवी बहुत अच्छा होल्ड मेंटेन कर रही है बॉक्स ऑफिस पर। बस मैं चाहूँगा फिल्म देखें,
इस किस्म की फिल्म इस स्केल पे इस टेक्नोलॉजी के साथ आज तक कभी बनी नहीं है, और उसके अलावा जो कहानी है, जो इमोशन है, जो ड्रामा है, जो एक्शन है, वो मेरे हिसाब से और मीडिया के हिसाब से बहुत अच्छे स्केल पे वर्क कर रहा है, तो कीपिंग फिंगर्स क्रॉस। अच्छा, स्कूल किड्स को आज मूवी दिखा रहे हैं, स्कूल किड्स कैसा रिस्पांस आपने दिया? बहुत अच्छा है, इट वाज लवली, और बच्चे कुछ सवाल पूछ रहे थे, और ऑनेस्टली बताऊं, बड़े जब सवाल पूछते हैं एक अलग बात होती है, बच्चे जो दिल से सवाल पूछते हैं ना, बहुत ही प्यारे सवाल होते हैं। अब बात करते हैं श्रद्धा कपूर, वरुण धवन और नोरा फतेही खान की मूवी स्ट्रीट डांसर 3D के बारे में। इस मूवी का बजट 71 करोड़ का था और इस मूवी ने 95 करोड़ का बिजनेस किया है। ये मूवी 23 जनवरी 2020 को रिलीज़ हुई थी और जितनी एक्सपेक्टेशंस लोगों को इस मूवी से थी उतनी अच्छी वो निकली नहीं। रेमो डिसूजा ने इससे पहले ABCD भी रिलीज़ करी थी और वो बहुत ही ज़्यादा हिट थी, उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही अच्छी थी। ABCD 2, जिसमें वरुण धवन और श्रद्धा कपूर और लॉरेंस भी थी, वो मूवी भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी, उसकी स्टोरी लाइन बहुत ही सुपर्ब थी। इस मूवी के अंदर खाली एक ही गाना ओरिजिनल है, गर्मी, जो कि लोगों को इतना पसंद आया नहीं और उसका मजाक उल्टा और ज़्यादा उड़ गया। उसके मीम्स भी बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे हैं। बाकी जो इस मूवी में मुकाबला गाना है वो भी रीमेक है पुराने गाने का, इल्लीगल वेपन, जो लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा, वो पंजाबी गाने को हिंदी में कन्वर्ट करा हुआ है एंड लोग इम्प्रेस नहीं है उस गाने से। एंड तीसरा गाना लगदी लोहार दिया, वो भी बहुत हिट नहीं हुआ। टाइगर श्रॉफ की बागी फिर से वापस आ चुकी है। बागी 3, जो कि रिलीज़ होने जा रही है 6 मार्च 2020 को, इसका ट्रेलर आ चुका है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है। बागी 1 की तरह इस बारी हमें श्रद्धा कपूर बागी 3 में देखने को मिलेंगी। बागी 2 में दिशा पटानी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ थी, लेकिन बागी 3 में श्रद्धा कपूर फिर से आ चुकी है और इस बारी रितेश देशमुख को साथ लाई हैं। रितेश देशमुख टाइगर श्रॉफ के भाई का रोल निभा रहे हैं। इस बागी 3 का एक गाना भी रिलीज़ हो चुका है, 10 बहाने 2.0, जो कि पुरानी मूवी 10 मूवी का गाना है एंड एग्जैक्टली कॉपीड गाना, कोई भी चेंज नहीं है उस गाने में, लेकिन लड़की का थोड़ा सा पार्ट ऐड हुआ हुआ है। इस पर 13 मिलियन से ज़्यादा व्यूज़ आ चुके हैं और लोगों को खास पसंद नहीं आ रहा है ये गाना, क्योंकि एग्जैक्ट सेम गाना है। बागी 3 वेताई मूवी, जो कि तमिल की 2012 की मूवी है, उसकी एग्जैक्ट कॉपी है, उसी का रीमेक है। अब बात करते हैं भूत द हॉन्टेड शिप के बारे में,
उसका ट्रेलर रिलीज हो चुका है. धर्मा प्रोडक्शंस ने इस मूवी को लॉन्च किया है एंड इसके ट्रेलर पर 24 मिलियन से ज़्यादा व्यूज आ चुके हैं. इस मूवी के अंदर हमें विकी कौशल, जो कि एक बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, वो इसमें एक बहुत ही अच्छा किरदार निभा रहे हैं और उनके साथ साथ भूमि पेडनेकर भी है इस मूवी के अंदर. ये मूवी भूत, जो कि राम गोपाल वर्मा ने बनाई थी, उसका रीमेक नहीं है. ये एक ओरिजिनल मूवी है और इसका ट्रेलर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है. अब बात करते हैं पंगा मूवी की, जो कि रिलीज हुई थी 24 जान 2020 को. इस मूवी को इतना एक्सपोजर शायद मिला नहीं. इस मूवी ने खाली 45 करोड़ का बिजनेस किया है, जबकि बजट 40 करोड़ का था. इसके अंदर कंगना रनौत एक रेलवे ऑफिसर का रोल निभा रही है, जो कि पहले वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी थी कबड्डी में. अपने हेक्टिक स्केड्यूल और मिडिल एज लाइफ की स्टोरी में वो अपने ड्रीम्स को भूल जाती हैं. कैसे उनका बेटा आदि और उनका हस्बैंड एक सपोर्टिव रोल में दिखते हैं और उन्हें दोबारा अपने ड्रीम्स को एकम्प्लिश करने की हिम्मत देते हैं. इस मूवी के अंदर हमें नीना गुप्ता, रिचा चड्ढा भी देखने को मिली है एंड उसके साथ साथ जस्सी गिल ने भी बहुत अच्छा किरदार निभाया है. अब बात करते हैं कार्तिक आर्यन और सारा अली खान की मूवी लव आजकल के बारे में, जो कि इम्तियाज़ अली ने डायरेक्ट किया है. और ये मूवी रिलीज़ हो रही है 14 फेब 2020 को, यानी कि वैलेंटाइंस डे पर. जब इस मूवी का ट्रेलर आया था तो लोग बहुत इम्प्रेस नहीं थे, क्योंकि वो लव आजकल फर्स्ट से काफ़ी ज़्यादा अपनी उम्मीदें ऊपर रख के बैठे हुए थे एंड इसके ट्रेलर के बाद लोग बहुत डिसअपॉइंट हो गए. यानी कि सैफ अली खान, जो कि सारा अली खान के पिताजी हैं, उन्होंने ये तक कहा कि उनको अपने वाला ट्रेलर बहुत ज़्यादा बेटर लगा इस मूवी से. सैफ अली खान कितने ज़्यादा ऑनेस्ट और जेन्युइन हैं और अपने ऑनेस्ट ओपिनियंस रखते हैं लोगों के आगे. लेकिन जब इस मूवी के गाने रिलीज़ हुए, हाँ मैं गलत और शायद, जिससे लोगों को काफ़ी ज़्यादा फिर से रिलीव करने का मौका मिला, वो ट्विस्ट वाला गाना जो कि पॉपुलर हो गया था, तो उससे लोगों को लगा शायद ये मूवी वॉचेबल होगी. सो लेट्स वेट ये मूवी कहाँ तक जाती है एंड इसके प्रमोशनल इवेंट्स पर कार्तिक आर्यन और सारा अली खान काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं.
अदनान सामी फिर से अपना एक सिंगल लेकर आए हैं जो कि लोगों को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। ये रिलीज हुआ है 11 फरवरी को और इस पर 8 मिलियन व्यूज आ चुके हैं। लेट्स वॉच द वीडियो। पद्मश्री का जो एक एजाज है जो मेरे ऊपर नवाजा गया है, उससे मैं समझता हूँ कि एक तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी इंसान के कंधों में आ जाती है। तो आई लुक एट इट फ्रॉम द परस्पेक्टिव दैट आई फील अ ट्रेमेंडस सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ट्राई एंड डू इवन मोर एंड बेटर। आई होप सो। लैक्मे फैशन वीक चल रहा है 11 फेब से लेकर 16 फेब तक। हमें इसमें विक्की कौशल और जानवी कपूर साथ में रैंप पर दिखे, जिसमें जानवी कपूर ने एक फ्लोर लेंथ गाउन पहना है जिसमें वो एब्सोल्युटली स्टनिंग लग रही हैं, एंड विक्की कौशल ने एक एथनिक पीस पहना है जो कि कुणाल शर्मा ने डिज़ाइन किया है। अब बात करते हैं विधु विनोद चोपड़ा की शिकारा के बारे में, जिसके अंदर आदिल खान और सादिया हैं। इस मूवी ने फर्स्ट वीकेंड पे 5 करोड़ का बिजनेस किया है, जो कि रिलीज हुई थी 7 फेब को, एंड इसका बजट 25 से लेकर 28 करोड़ के बीच में रहा है। ये मूवी कश्मीरी पंडित्स के बारे में है और कैसे कश्मीर की हार्श रियालिटीज़ हमें इस मूवी में देखने को मिलेंगी, और बहुत ही ज़्यादा अच्छे से पिक्चराइज है ये मूवी। आई थिंक इट्स अ मस्ट वॉच। We'll be right back.
वी आर वेरी ऑनेस्टली सेइंग दिस कि सर के साथ हम शुरुआत से लगे रहे और ये कुछ ढाई साल, इतना वक्त मेरे ख्याल से आमतौर पर नहीं देते हैं जितना सर ने हम लोगों को वक्त दिया है. तकरीबन एवरी डे 8-8 घंटे तक हम लोग साथ में रहते थे सर के, और वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासेस होती थी. हमें समझाया सर ने, सिखाया, स्क्रिप्ट के स्टोरी के अंदर इन्वॉल्व करा, कैरेक्टर्स के अंदर इमर्स करा. और शुरुआत से सर मुझे शिव बुलाते थे, इन्हें शांति बुलाते थे, तो शुरुआत से हम लोग इतने इमर्स हो गए कैरेक्टर्स के अंदर कि फिर हमने वो कहानी जी है और वो सब कुछ सर ने हमें इस हिसाब से ट्रेन करा था. तो अभी ये थोड़ा बहुत जो भी अप्रिसिएशन हम लोगों को मिल रहा है, इट इज़ कमिंग थ्रू. थोड़ा बहुत नहीं, बहुत. तो वो सब इनसे इनसे आया है. ये एक इंस्टीट्यूशन की तरह है, ये जहाँ पे आप हैं इस वक्त हम सब हैं, तो यहाँ पे हम इस इंस्टीट्यूशन के एक पार्ट थे, तो हमें सब सिखाया जाता था. जैसा कि अभी आपको इन्होंने बताया, उसी तरीके से सेम प्रोसेस मेरे साथ भी हुआ है. सिखाया गया है, हमें बिलीव करवाया गया है, साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली प्रिपेयर किया गया है, और इस वजह से हम जो भी दे पाए, परफॉर्म कर पाए, वो कर पाए. दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ आवर प्रिंसिपल, टीचर, डायरेक्टर, गुरु, फ्रेंड, फादर, फैमिली, इन वन वर्ड विद विनोद चोपड़ा. अब बात करते हैं ऑस्कर्स 2020 के बारे में, जिसके अंदर मेजर अवार्ड्स पैरासाइट मूवी और जोकर मूवी ने लिए हैं. इसके अलावा ब्रैड पिट को भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड मिला है फॉर द मूवी वंस अपॉन अ टाइम इन हॉलीवुड. बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है जोक्विन फीनिक्स को फॉर द मूवी जोकर. एंड उसके अलावा पैरासाइट बेस्ट मूवी डिक्लेयर करी है ऑस्कर ने, एंड जोंग बूंग बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड हासिल कर चुके हैं पैरासाइट मूवी के लिए ही. Thank you for watching Bollywood Roundup with Naina Oberoi at TAC TV. See you soon.